हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को भीषण जाम से उबारने के लिए दिला जेल बाईपास को फोर लेन करने का दिया तोहफा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय। लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क की लागत होगी लगभग 200 करोड़। वन मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माणाधीन चिड़ियाघर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक। कहा जल्द ही चिड़ियाघर का मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण, जनता को किया जाएगा समर्पित। पत्नी से अवैध संबंध के शक में कर दी थी दोस्त की हत्या, जिसे पुलिस ने हादसा बताकर बंद कर दी थी फाइल। दो बार फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद एसएसपी ने क्राइम ब्रांच को सौंपा था मामला, एक साल बाद हुआ खुलासा। इस्लाम धर्म के प्रमुख पर्व मिलादुन नबी पर मियां साहब की गैर मौजूदगी में इमामबाड़ा स्टेट से निकाला गया जुलूस ए मोहम्मदी। दूरभाष पर मियां साहब ने लोगों को दी बधाई, कहा कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए जुलूस में नहीं हो सके शामिल। प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने शुक्रवार को केंद्रीय जू अथॉरिटी की टीम के साथ किया चिड़ियाघर का निरीक्षण। कहा जल्द होगा चिड़ियाघर का लोकार्पण, पर्यटन के रूप में गोरखपुर का होगा अलग पहचान। चिलुआताल थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव के भंडारो टोला में प्रेमी के भेजे सिंदूर को मांग में सजाने से नाराज बड़े भाई ने फावड़े से काटकर बहन की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यावरण वन व जलवायु संरक्षण ने किया अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा साल के अंत तक चिड़ियाघर को जनता के लिए किया जाएगा समर्पित। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 66 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,933। अब तक 306 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 816। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। कोतवाली सर्किल क्षेत्र में जुलूस ए मोहम्मदी के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ निकाला गया जुलूस। अकीदत के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी का पर्व। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल रहा मुस्तैद। इनरवीर क्लब के सदस्यों ने दिवाली पर्व पर गरीबों में वितरित किया दिवाली गिफ्ट। संस्था के अध्यक्षा ने कहा हंसी खुशी के साथ मिलजुल कर मनाया दिवाली का त्योहार। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर फिशरी बायोलॉजी, इटोमोलॉजी और सेल बायोलॉजी की प्रायोगिक परीक्षाएं 7 नवम्बर को ही प्रस्तावित। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी की जाएगी प्रक्रिया।